आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक लखनऊ में है। लोकसभा में आज सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और सरकार के एजेंडे और लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर जनता से किए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक और चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, खनन व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, उसके लिए आज बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक है लखनऊ में। लोक भवन में सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, विधानमंडल दल की यह बैठक है, क्या इसका उद्देश्य और किस तरह से तैयारी? देखिए अरविंद, जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है, उसमें साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि मिशन 2019 को लेकर के रणनीति तैयार करना और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो अम्बेडकर की जयंती है, उसको लेकर के विशेष रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अम्बेडकर के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सेनमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी और जो अन्य पार्टियों का जो बैंक रहा हुआ शुरू से उनको लेकर के रणनीति तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों के साथ बैठ करके और आज विशेष एक रणनीति बनाएगी कि आखिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई किया जाए और इसके अलावा जो तमाम चीजें और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की जो है सचेतता और एक एक्टिवनेस दिख रही है सरकार में, क्या भी माना जाए कि अभी से ही 2019 की तरफ नजर है? कोशिश यही है, क्योंकि जिस तरीके से समरसता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है अम्बेडकर की जयंती को, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दलितों के वोट बैंक को काबू करने के साथ साथ तमाम उन मसलों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, जिसको कि कहीं ना कहीं मिशन 2014 और मिशन 2017 को फतह करने के बाद से उनके रणनीति पर अमल करना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जिस तरीके की बातें कही गई थी उनको लेकर के भी रायशुमारी की जाएगी इन तमाम विधायकों के साथ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे वो प्रदेश के, क्योंकि योगी का कल एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं योगी हूँ और मुझे ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की बीमारियां क्या क्या है, तो निश्चित तौर पर उन कमियों पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा जिससे आने वाले दिनों में जनता का दिल जीता जाए, मन जीता जाए और उसके बाद से मिशन 2019 की रणनीति में भी फतह की कोशिश की जाए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम विधायकों और तमाम पुरानी सरकार के जो कार्यकाल में जो तमाम कार्य हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से चेकिंग हो रही है, उनके दस्तावेज बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो रिवरफ्रंट का मामला हो, उनके रिवरफ्रंट का या फिर इश्तहार का मामला हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इन सब पर हमलावर हो सके और इन सबकी घेरेबंदी कर सके। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, चाहे छोटे या बड़े, चाहे बूचड़खानों को बंद करने की बात हो, रोमियो स्क्वाड की बात हो, उस पर आगे बढ़ती हुई, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, कर्ज माफी को लेकर जो बातें की गई थी वो, उस पर सरकार किस तरह से अमल करती है और साफ तौर पर इन सबके साथ नजर जो है वो 2019। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित की बात करें तो आधिकारिक रूप से यूपी विधानसभा के वो अध्यक्ष बन जाएंगे। बीते दिन बुधवार को हृदय नारायण दीक्षित ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। आज हृदय नारायण दीक्षित को विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाएगा। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, हृदय नारायण दीक्षित की बात करें, विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ अगर संगठन की बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। क्या निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है या कहीं से कोई भी अटकले या कोई ऐसी बात जिससे दिक्कत आए? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हृदय नारायण दीक्षित जब गंभीर
शताब्दी वर्ष था गोरखपुर में, जिसमें योगी शिरकत किए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें हृदय नारायण दीक्षित मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के बगल में ही बैठे हुए थे। साफ तौर पर उस वक्त एक चीज क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि हृदय नारायण दीक्षित अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं, और इस बात की घोषणा की हुई। हृदय नारायण दीक्षित जो है वो सबसे पहले, अगर उनके इतिहास की बात कही जाए तो सबसे पहले वो नेता और उसके बाद पत्रकार बने थे, और काफी अच्छा ओहदा उनका रहा हुआ है, चाहे आपको संगठन की बात कही जाए या संघ की बात कही जाए या फिर पार्टी की बात कही जाए। शुरुआती दौर से ही हृदय नारायण दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनका एक तरीके से ये पद जो है वो क्लियर माना जा रहा है। निर्विरोध चुने जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने उनका जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तो वो उनके ठीक बगल में मौजूद थे, यानी हृदय नारायण दीक्षित के ठीक बगल में मौजूद थे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो तमाम विधायक हैं या फिर तमाम जो मंत्री हैं, उनका एक प्रस्ताव जो है, उनका एक सहमति पत्र जो है वो आदित्य योगीनाथ जो है वो साफ तौर पर लेकर के गए हुए थे, और उसका उनका पत्र दाखिल कराया गया है, जिससे ये संभावनाओं पर विराम लग गया है कि उनके खिलाफ में अब और भी कोई जो है वो नॉमिनेशन करेगा। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है वो हृदय नारायण दीक्षित का ही शुरू होने वाला है। बिल्कुल विक्रम, तो इसके पहले माता प्रसाद पांडे, दो कार्यकाल निर्विरोध वो भी चुना गया, और अब हृदय नारायण दीक्षित, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे कि निर्विरोध बिना किसी अटकलों के इनका बनना लगभग विधानसभा अध्यक्ष होता है। बने रहिए आप विक्रम हमारे साथ, और अब बात कर लेते हैं नवरात्रों के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया, और इस दौरान बाबा रामदेव उनसे मिलने आने वाले पहले मेहमान बने। दोपहर बाद योगी ने स्वामी रामदेव के साथ योग सम्मेलन में भी भाग लिया, जबकि शाम को योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार पर भी बुलाया। सीएम आवास के शुद्धिकरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने 12:10 पर सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया। योगी के लिए बंगले का सारा फर्नीचर और सामान निकाल कर बिल्कुल खाली कर दिया गया था, और बंगले को अंदर से सफेद रंग से पेंट किया गया। घर के अंदर चमड़े का कोई सामान नहीं है, घर में लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने, और सीएम आवास के बाद दोनों एक साथ योग सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी ने एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की सलाह दी है, तो खुद भी उनके रास्ते पर चढ़ने का प्रण लिया। जब नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी, तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में यही बात कही, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं। सीएम योगी के गृह प्रवेश के चलते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले कालिदास मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सीएम योगी ने खुद पूजा और कर्मकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में इस करार पर तो आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक लखनऊ में है। लोकसभा में आज सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है, और सरकार के एजेंडे और लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, और इसके साथ ही इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर जनता से किए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक और चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, खनन व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, उसके लिए आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक है लखनऊ में।
लोक भवन में सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है। और विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, विधानमंडल दल की यह बैठक है, क्या इसका उद्देश्य और किस तरह से तैयारी? देखिए अरविंद, जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है, उसमें साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि मिशन 2019 को लेकर के रणनीति तैयार करना और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो अम्बेडकर की जयंती है, उसको लेकर के विशेष रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अम्बेडकर के जरिए ही दलितों के वोट बैंक पर सेनमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जो अन्य पार्टियों का जो बैंक रहा हुआ शुरू से, उनको लेकर के रणनीति तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों के साथ बैठ करके और आज विशेष एक रणनीति बनाएगी कि आखिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई किया जाए, और इसके अलावा जो तमाम चीजें और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की जो है सचेतता और एक एक्टिवनेस दिख रही है सरकार में, क्या भी माना जाए कि अभी से ही 2019 की तरफ नजर है? साफ तौर पर कोशिश यही है, क्योंकि जिस तरीके से समरसता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है अम्बेडकर की जयंती को, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दलितों के वोट बैंक को काबू करने के साथ साथ तमाम उन मसलों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी, जिसको की कहीं ना कहीं मिशन 2014 और मिशन 2017 को फतह करने के बाद से उनके रणनीति पर अमल करना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जिस तरीके की बातें कही गई थी उनको लेकर के भी रायशुमारी की जाएगी इन तमाम विधायकों के साथ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे वो प्रदेश के, क्योंकि योगी का कल एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं योगी हूँ और मुझे ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की बीमारियां क्या क्या है, तो निश्चित तौर पर उन कमियों पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में जनता का दिल जीता जाए, मन जीता जाए और उसके बाद से मिशन 2019 की रणनीति में भी फतह की कोशिश की जाए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम विधायकों और तमाम पुरानी सरकार के जो कार्यकाल में जो तमाम कार्य हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से चेकिंग हो रही है, उनके दस्तावेज बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो रिवरफ्रंट का मामला हो, उनके रिवरफ्रंट का या फिर शहर का मामला हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इन सब पर हमलावर हो सके और इन सबकी घेरेबंदी कर सके। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, चाहे छोटे या बड़े, चाहे बूचड़खानों को बंद करने की बात हो, रोमियो स्क्वाड की बात हो, उस पर आगे बढ़ती हुई, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, कर्ज माफी को लेकर जो बातें की गई थी वो, उस पर सरकार किस तरह से अमल करती है? और साफ तौर पर इन सबके साथ नजर जो है वो 2019। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित की बात करें तो आधिकारिक रूप से यूपी विधानसभा के वो अध्यक्ष बन जाएंगे। बीते दिन बुधवार को हृदय नारायण दीक्षित ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। आज हृदय नारायण दीक्षित को विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाएगा। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, हृदय नारायण दीक्षित की बात करें, विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ अगर संगठन की बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। क्या निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है या कहीं से कोई भी अटकले या कोई ऐसी बात जिससे दिक्कत आए? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हृदय नारायण दीक्षित जब थाना गंभीर की शताब्दी वर्ष था गोरखपुर में, जिसमें योगी शिरकत किए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें हृदय नारायण दीक्षित मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के बगल में ही बैठे हुए थे, तो साफ तौर पर उस वक्त एक चीज क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि हृदय नारायण दीक्षित अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं और इस बात की घोषणा भी हुई। हृदय नारायण दीक्षित जो है वो सबसे पहले अगर उनके इतिहास की बात कही जाए तो सबसे पहले वो नेता और उसके बाद पत्रकार बने थे और काफी अच्छा ओहदा उनका रहा हुआ है, चाहे आपको संगठन की बात कही जाए या संघ की बात कही जाए या फिर पार्टी की बात कही जाए। शुरुआती दौर से ही हृदय नारायण दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनका एक तरीके से ये पद जो है वो क्लियर माना जा रहा है। निर्विरोध चुने जाने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने उनका जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तो वो उनके ठीक बगल में मौजूद थे, यानी हृदय नारायण दीक्षित के ठीक बगल में मौजूद थे। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो तमाम विधायक हैं या तमाम जो मंत्री हैं
उनका एक प्रस्ताव जो है, उनका एक सहमति पत्र जो है वो आदित्य योगीनाथ जो है वो साफ तौर पर लेकर के गए हुए थे और उसका उनका पत्र दाखिल कराया गया है, जिससे ये संभावनाओं पर विराम लग गया है कि उनके खिलाफ अब और भी कोई जो है वो नॉमिनेशन करेगा। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है वो हृदय नारायण दीक्षित का ही शुरू होने वाला है। बिल्कुल विक्रम, तो इसके पहले माता प्रसाद पांडे, दो कार्यकाल निर्विरोध वो भी चुना गया और अब हृदय नारायण दीक्षित, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि निर्विरोध बिना किसी अटकलों के इनका बनना लगभग विधानसभा अध्यक्ष होता है। बने रहिए आप विक्रम हमारे साथ और अब बात कर लेते हैं नवरात्रों के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया और इस दौरान बाबा रामदेव उनसे मिलने आने वाले पहले मेहमान बने। दोपहर बाद योगी ने स्वामी रामदेव के साथ योग सम्मेलन में भी भाग लिया जबकि शाम को योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार पर भी बुलाया। सीएम आवास के शुद्धिकरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने 12:10 पर सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया। योगी के लिए बंगले का सारा फर्नीचर और सामान निकाल कर बिल्कुल खाली कर दिया गया था और बंगले को अंदर से सफेद रंग से पेंट किया गया। घर के अंदर चमड़े का कोई सामान नहीं है, घर में लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने और सीएम आवास के बाद दोनों एक साथ योग सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी ने एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की सलाह दी है तो खुद भी उनके रास्ते पर चढ़ने का प्रण लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में यही बात कही, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं। सीएम योगी के गृह प्रवेश के चलते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले कालिदास मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सीएम योगी ने खुद पूजा और कर्मकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में इस करार पर तो आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक लखनऊ में है। लोकसभा में आज सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और सरकार के एजेंडे और लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर जनता से किए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक और चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, उसके लिए आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक है लखनऊ में। लोक भवन में सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, विधानमंडल दल की यह बैठक है, क्या इसका उद्देश्य और किस तरह से तैयारी? देखिए अरविंद, जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है उसमें साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि मिशन 2019 को लेकर के रणनीति तैयार करना और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो अम्बेडकर की जयंती है उसको लेकर के विशेष रणनीति तैयार होगी क्योंकि अम्बेडकर के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सेनमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी और जो अन्य पार्टियों का जो बैंक रहा हुआ शुरू से उनको लेकर के रणनीति तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों के साथ बैठ करके और आज विशेष एक रणनीति बनाएगी कि आखिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई किया जाए और इसके
जो तमाम चीजें और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी उसको लेकर क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की जो है सचेतता और एक एक्टिवनेस दिख रही है सरकार में, क्या भी माना जाए कि अभी से ही 2019 की तरफ नजर है? खास तौर पर कोशिश यही है क्योंकि जिस तरीके से समरसता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है अम्बेडकर की जयंती को, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दलितों के वोट बैंक को काबू करने के साथ साथ तमाम उन मसलों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी जिसको की कहीं ना कहीं मिशन 2014 और मिशन 2017 को फतह करने के बाद से उनके रणनीति पर अमल करना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जिस तरीके की बातें कही गई थी उनको लेकर के भी रायशुमारी की जाएगी इन तमाम विधायकों के साथ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं, चाहे वो प्रदेश के, क्योंकि योगी का कल एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं योगी हूँ और मुझे ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की बीमारियां क्या क्या है, तो निश्चित तौर पर उन कमियों पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा जिससे आने वाले दिनों में जनता का दिल जीता जाए, मन जीता जाए और उसके बाद से मिशन 2019 की रणनीति में भी फतह की कोशिश की जाए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम विधायकों और तमाम पुरानी सरकार के जो कार्यकाल में जो तमाम कार्य हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से चेकिंग हो रही है, उनके दस्तावेज बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो रिवरफ्रंट का मामला हो, उनकी रिवरफ्रंट का या फिर शहर का मामला हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इन सब पर हमलावर हो सके और इन सबकी घेरेबंदी कर सके। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, चाहे छोटे या बड़े, चाहे बूचड़खानों को बंद करने की बात हो, रोमियो स्क्वाड की बात हो, उस पर आगे बढ़ती हुई, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, कर्ज माफी को लेकर जो बातें की गई थी वो, उस पर सरकार किस तरह से अमल करती है और साफ तौर पर इन सबके साथ नजर जो है वो 2019। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित की बात करें तो आधिकारिक रूप से यूपी विधानसभा के वो अध्यक्ष बन जाएंगे। बीते दिन बुधवार को हृदय नारायण दीक्षित ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। आज हृदय नारायण दीक्षित को विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाएगा। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, हृदय नारायण दीक्षित की बात करें, विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ अगर संगठन की बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। क्या निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है या कहीं से कोई भी अटकले या कोई ऐसी बात जिससे दिक्कत आए? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हृदय नारायण दीक्षित जब थाना गंभीर की शताब्दी वर्ष था गोरखपुर में, जिसमें योगी शिरकत किए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें हृदय नारायण दीक्षित मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के बगल में ही बैठे हुए थे, तो साफ तौर पर उस वक्त एक चीज क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि हृदय नारायण दीक्षित अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं और इस बात की घोषणा भी हुई। हृदय नारायण दीक्षित जो है वो सबसे पहले अगर उनके इतिहास की बात कही जाए तो सबसे पहले वो नेता और उसके बाद पत्रकार बने थे और काफी अच्छा ओहदा उनका रहा हुआ है, चाहे वो संगठन की बात कही जाए या संघ की बात कही जाए या फिर पार्टी की बात कही जाए। शुरुआती दौर से ही हृदय नारायण दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनका एक तरीके से ये पद जो है वो क्लियर माना जा रहा है। निर्विरोध चुने जाने की पूर्ण संभावना है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने उनका जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तो वो उनके ठीक बगल में मौजूद थे, यानी हृदय नारायण दीक्षित के ठीक बगल में मौजूद थे, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो तमाम विधायक हैं या फिर तमाम जो मंत्री हैं उनका एक प्रस्ताव जो है, उनका एक सहमति पत्र जो है वो आदित्य योगीनाथ जो है वो साफ तौर पर लेकर के गए हुए थे और उनका पत्र दाखिल कराया गया है, जिससे ये संभावनाओं पर विराम लग गया है कि उनके खिलाफ में अब और भी कोई जो है वो नॉमिनेशन करेगा। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है वो हृदय नारायण दीक्षित का ही शुरू होने वाला है। बिल्कुल विक्रम, तो इसके पहले माता प्रसाद पांडे, दो कार्यकाल निर्विरोध वो भी चुना गया और अब हृदय नारायण दीक्षित, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि निर्विरोध बिना किसी अटकलों के इनका बनना लगभग विधानसभा अध्यक्ष होता है। बने रहिए आप विक्रम हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं नवरात्रों के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया और इस दौरान बाबा रामदेव उनसे मिलने आने वाले पहले मेहमान बने। दोपहर बाद योगी ने स्वामी रामदेव के साथ योग सम्मेलन में भी भाग लिया, जबकि शाम को योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार पर भी बुलाया।
सीएम आवास के शुद्धिकरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने 12:10 पर सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया। योगी के लिए बंगले का सारा फर्नीचर और सामान निकालकर बिल्कुल खाली कर दिया गया था और बंगले को अंदर से सफेद रंग से पेंट किया गया। घर के अंदर चमड़े का कोई सामान नहीं है। घर में लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने और सीएम आवास के बाद दोनों एक साथ योग सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी ने एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की सलाह दी है तो खुद भी उनके रास्ते पर चढ़ने का प्रण लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में यही बात कही, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं। सीएम योगी के गृह प्रवेश के चलते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले कालिदास मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सीएम योगी ने खुद पूजा और कर्मकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में इस करार पर तो आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक लखनऊ में है। लोकसभा में आज सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और सरकार के एजेंडे और लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर जनता से किए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक और चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, उसके लिए आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक है लखनऊ में। लोक भवन में सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, विधानमंडल दल की यह बैठक है, क्या इसका उद्देश्य और किस तरह से तैयारी? देखिए अरविंद, जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है उसमें साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि मिशन 2019 को लेकर के रणनीति तैयार करना और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो अम्बेडकर की जयंती है, उसको लेकर के विशेष रणनीति तैयार होगी क्योंकि अम्बेडकर के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सेनमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी और जो अन्य पार्टियों का जो बैंक रहा हुआ शुरू से उनको लेकर के रणनीति तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों के साथ बैठ करके और आज विशेष एक रणनीति बनाएगी कि आखिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई किया जाए और इसके अलावा जो तमाम चीजें और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की जो है सचेतता और एक एक्टिवनेस दिख रही है सरकार में, क्या भी माना जाए कि अभी से ही 2019 की तरफ नजर है? साफ तौर पर कोशिश यही है क्योंकि जिस तरीके से समरसता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है अम्बेडकर की जयंती को, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दलितों के वोट बैंक को काबू करने के साथ साथ तमाम उन मसलों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी जिसको की कहीं ना कहीं मिशन 2014 और मिशन 2017 को फतह करने के बाद से उनके रणनीति पर अमल करना शुरू किया जाएगा। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जिस तरीके की बातें कही गई थी उनको लेकर के भी रायशुमारी की जाएगी इन तमाम विधायकों के साथ। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो तमाम पेंडिंग बिल्स हैं चाहे वो प्रदेश के, क्योंकि योगी का कल एक बड़ा बयान आया था, उन्होंने कहा कि मैं योगी हूँ और मुझे ये जानकारी है
कि उत्तर प्रदेश की बीमारियां क्या क्या है, तो निश्चित तौर पर उन कमियों पर भी विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में जनता का दिल जीता जाए, मन जीता जाए और उसके बाद तो मिशन 2019 की रणनीति में भी फतह की कोशिश की जाए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम विधायकों और तमाम पुरानी सरकार के जो कार्यकाल में जो तमाम कार्य हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से चेकिंग हो रही है, उनके दस्तावेज बुलाए जा रहे हैं, चाहे वो रिवरफ्रंट का मामला हो, उनके रिवरफ्रंट का या फिर शहर का मामला हो, तो इन तमाम मसलों को लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इन सब पर हमलावर हो सके और इन सबकी घेरेबंदी कर सके। बिल्कुल विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ। तो एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए थे, चाहे छोटे या बड़े, चाहे बूचड़खानों को बंद करने की बात हो, रोमियो स्क्वाड की बात हो, उस पर आगे बढ़ती हुई, लेकिन और भी तमाम चीजें हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर करना, कर्ज माफी को लेकर जो बातें की गई थी वो, उस पर सरकार किस तरह से अमल करती है, और साफ तौर पर इन सबके साथ नजर जो है वो 2019। बीजेपी नेता हृदय नारायण दीक्षित की बात करें तो आधिकारिक रूप से यूपी विधानसभा के वो अध्यक्ष बन जाएंगे। बीते दिन बुधवार को हृदय नारायण दीक्षित ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि हृदय नारायण दीक्षित का विधानसभा अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाना तय है। आज हृदय नारायण दीक्षित को विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया जाएगा। और विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, हृदय नारायण दीक्षित की बात करें, विधान परिषद में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी, जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ अगर संगठन की बात करें तो उसमें भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। क्या निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है या कहीं से कोई भी अटकले या कोई ऐसी बात जिससे दिक्कत आए? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो जिस तरीके से हृदय नारायण दीक्षित जब थाना गंभीर की शताब्दी वर्ष था गोरखपुर में, जिसमें योगी शिरकत किए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसमें हृदय नारायण दीक्षित मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के बगल में ही बैठे हुए थे, तो साफ तौर पर उस वक्त एक चीज क्लियर इंडिकेट कर रही थी कि हृदय नारायण दीक्षित अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं और इस बात की घोषणा भी हुई। हृदय नारायण दीक्षित जो है वो सबसे पहले अगर उनके इतिहास की बात कही जाए तो सबसे पहले वो नेता और उसके बाद पत्रकार बने थे और काफी अच्छा ओहदा उनका रहा हुआ है, चाहे तो संगठन की बात कही जाए या संघ की बात कही जाए या फिर पार्टी की बात कही जाए। शुरुआती दौर से ही हृदय नारायण दीक्षित जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर उनका एक तरीके से ये पद जो है वो क्लियर माना जा रहा है। निर्विरोध चुने जाने की पूर्ण संभावना है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने उनका जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे तो वो उनके ठीक बगल में मौजूद थे, यानी हृदय नारायण दीक्षित के ठीक बगल में मौजूद थे, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो तमाम विधायक हैं या फिर तमाम जो मंत्री हैं उनका एक प्रस्ताव जो है, उनका एक सहमति पत्र जो है वो आदित्य योगीनाथ जो है वो साफ तौर पर लेकर के गए हुए थे और उसका उनका पत्र दाखिल कराया गया है, जिससे ये संभावनाओं पर विराम लग गया है कि उनके खिलाफ में अब और भी कोई जो है वो नॉमिनेशन करेगा। तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अगले विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो है वो हृदय नारायण दीक्षित का ही शुरू होने वाला है। बिल्कुल विक्रम, तो इसके पहले माता प्रसाद पांडे, दो कार्यकाल निर्विरोध वो भी चुना गया और अब हृदय नारायण दीक्षित, और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि निर्विरोध बिना किसी अटकलों के इनका बनना लगभग विधानसभा अध्यक्ष होता है। बने रहिए आप विक्रम हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं नवरात्रों के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पूरे विधि विधान के साथ बुधवार को अपने सरकारी आवास में प्रवेश किया और इस दौरान बाबा रामदेव उनसे मिलने आने वाले पहले मेहमान बने। दोपहर बाद योगी ने स्वामी रामदेव के साथ योग सम्मेलन में भी भाग लिया, जबकि शाम को योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को फलाहार पर भी बुलाया। सीएम आवास के शुद्धिकरण के बाद योगी आदित्यनाथ ने 12:10 पर सरकारी बंगले 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया। योगी के लिए बंगले का सारा फर्नीचर और सामान निकाल कर बिल्कुल खाली कर दिया गया था और बंगले को अंदर से सफेद रंग से पेंट किया गया। घर के अंदर चमड़े का कोई सामान नहीं है, घर में लकड़ी की तख्त और लकड़ी की कुर्सियां लगाई गई हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए फलाहार का आयोजन किया। योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री आवास में सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले मेहमान बने और सीएम आवास के बाद दोनों एक साथ योग सम्मेलन में पहुंचे। सीएम योगी ने एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। और मैं देखता हूं कि लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, लेकिन मेरी पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश ही मुझे सौंप दिया है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने की सलाह दी है तो खुद भी उनके रास्ते पर चढ़ने का प्रण लिया। श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी तो इस देश के अंदर जब हम सभी सांसदों के सामने उनका पहला उद्बोधन था तो उन्होंने अपने उद्बोधन में यही बात कही, अब हमारे पास नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं। सीएम योगी के गृह प्रवेश के चलते लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को जाने वाले कालिदास मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। मीडिया के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। गोरखनाथ मंदिर के पुजारियों के साथ सीएम योगी ने खुद पूजा और कर्मकांड के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट APM। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नवरात्रि के मौके पर प्रदेश के लोगों को एक खास तोहफा देने की तैयारी में है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि 14 अप्रैल को यूपी सरकार केंद्र के साथ पावर फॉर ऑल करार पर दस्तखत करेगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की मौजूदगी में इस करार पर तो आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक लखनऊ में है। लोकसभा में आज सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और सरकार के एजेंडे और लोक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही इस बात पर मंथन किया जाएगा कि आखिर जनता से किए वादों को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। तो बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक और चुनाव से पहले जो भी वादे किए गए या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चाहे सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, उसको लेकर किस तरह से काम किया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, उसके लिए आज बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक है लखनऊ में। लोक भवन में सुबह 10 बजे अनौपचारिक बैठक बुलाई गई है और विक्रम मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, विधानमंडल दल की यह बैठक है, क्या इसका उद्देश्य और किस तरह से तैयारी? देखिए अरविंद, जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलाई गई है उसमें साफ तौर पर उद्देश्य यह है कि मिशन 2019 को लेकर के रणनीति तैयार करना और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले अगर हम लोग देखें तो अम्बेडकर की जयंती है उसको लेकर के विशेष रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अम्बेडकर के जरिए दलितों के वोट बैंक पर सेनमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी और जो अन्य पार्टियों का जो बैंक रहा हुआ शुरू से उनको लेकर के रणनीति तैयार होगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों के साथ बैठ करके और आज विशेष एक रणनीति बनाएगी कि आखिर जो तमाम पेंडिंग बिल्स है उसको लेकर के किस तरीके से कार्रवाई किया जाए और इसके अलावा जो तमाम चीजें और भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी उसको लेकर के क्या कुछ किया जाए। बिल्कुल विक्रम, जिस तरह की जो है सचेतता और एक एक्टिवनेस दिख रही है सरकार में, क्या भी माना जाए कि अभी से ही 2019 की तरफ नजर है? साफ तौर पर कोशिश यही है क्योंकि जिस तरीके से समरसता दिवस के तौर पर मनाने की बात कही जा रही है अम्बेडकर की जयंती को, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि दलितों के वोट बैंक को काबू करने के साथ साथ तमाम उन मसलों को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी जिसको की कहीं ना कहीं मिशन 2014 और मिशन 2017 को फतेह करने के बाद से उनके रणनीति पर अमल करना शुरू किया जाएगा। इसके